खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पुलिस महानिदेशक ने जनपद प्रभारी और सेना नायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान एमडीटी प्रयोग सीसीटीएनएस के कार्यों और इनामी अपराधियों के बारे में जानकारी ली गई। इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस ऐप और स्मार्ट पुलिसिंग की ओर एक कदम बढ़ा है। आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐप बनाया गया है, जिसका सभी जनपद प्रभारी प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। इतना ही नहीं, ऐप के माध्यम से घर बैठे ही वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में EFIR दर्ज कराने की भी सुविधा है। पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर पूर्व में जो निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग और सरकार की छवि को खराब नहीं करेगा। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट।